गल्फ कंट्री में जो है हम रह के आए हैं, लेकिन हमारा पासपोर्ट रिन्यू हो गया है। नए पासपोर्ट के ऊपर मेल का सिस्टम चल कैसे रहे, ये 3-3 महीने का करके जो टर्नओवर है वो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद के तो सब खैरियत होंगे। आज वीडियो में दो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली चीज़ जो है ईमेल की जो अपडेट है वो क्या है, कौन सी ईमेल चल रही है, ईमेल फास्ट है, स्लो है, क्या है, और किस तरह ये ईमेल को लेके चल रहे हैं इमिग्रेशन वाले, सेफ वाले। सेकेंड जो बात है कि भाई प्रोसेस फास्ट हो गया या नहीं, आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने चाहिए या नहीं बनवाने चाहिए। लोग काफ़ी ज़्यादा बड़े अजीब से क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने सोचा आपको एक वीडियो बना के उसका आंसर कर दिया जाए। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। अच्छा, पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं ईमेल का सिस्टम जो है जी, ईमेल कौन सी चल रही है। जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक मई वालों को, जो मई 2021 वाले जो केसेस हैं उनको जो है सेकंड ईमेल आ गई है। सेकंड ईमेल का मतलब होता है कि बायोमेट्रिक के लिए डेट पिक करने की जो ईमेल है वो भी उनको आ गई हुई है। इसके बाद की अगर जून की किसी को आई हो, मुझे किसी ने बोला कि जून की आ गई है, मुझे कंफर्मेशन नहीं है, कमेंट में बता दीजिएगा। अब ये मेल का सिस्टम चल कैसे रहे, ये 3-3 महीने का करके जो टर्नओवर है वो कर निकाल रहे हैं, वो लोगों को क्लियर कर रहे हैं। अभी मई तक लोगों को क्लियर किया है, अगर जून जुलाई अगस्त वालों की नंबर आ जाएगा। कई लोगों की ईमेल है जो फर्स्ट ईमेल नहीं आई, बट उनका प्री स्केड्यूलिंग का जो ऑप्शन वो सिस्टम में शो हो रहा है। अगर प्री स्केड्यूलिंग का आपका आ रहा है ऑप्शन, तो भैया उसका मतलब ये है कि आपकी एक्सेप्टेंस हो गई है। अगर फर्स्ट मेल नहीं भी आई तो उन्होंने डायरेक्टली आपके पेपर एक्सेप्ट कर लिए हैं। सेकेंड ई मेल आपको भेजेंगे, लेकिन आप अपनी आईडी को खोल के चेक करते रहिएगा। ये नहीं है कि आप वेट करते रहें कि आपको जीमेल पे मैसेज आएगा तो फिर ही आपको मेल आएगी, ऐसे नहीं। एक्सेप्टेंस हो गई है ऑटोमेटिकली, रोबोटिक सिस्टम होता है, एक्सेप्टेंस कर लिए इन्होंने तो सेकंड मेल भेजेंगे, तो आपने फिर डेट पिक करनी होती है। बहुत से लोग जो ईमेल जो डेट पिक करनी है वो मिस कर रहे हैं। भाई अगर आपकी डेट मिस होगी, आपने पिक नहीं की, तो फिर एक अलग से अजाब है, समझे कि 7-8 महीने आपके ज़ाया हैं फिर से, लेकिन वो अपने ज़ाया नहीं करने। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो आपने डेट अगर मिल गई है तो फिर भी वहाँ पर जाना है, उसको स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना। मिस करेंगे तो भाई फिर ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो ऑप्शन है जी वो है कि TRC का जो प्रोसेस है वो फास्ट हुआ है या क्या। ऑफ कोर्स अगर मेल जल्दी आ रही है तो आपका प्रोसेस भी नज़र आ रहा है कि बेहतर हुआ है, फास्ट हुआ है। इसको मज़ीद बेहतर करने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरा अपना ख्याल है बहुत ज़्यादा बेहतरी होने वाली है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सिस्टमाइज हो जाएंगी। जो लोगों को प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज आ रही थी वो अब नहीं आएंगी। अब एक जो लोग यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन करते हैं बहुत ज़्यादा, जी हमारी 2022 के लास्ट में फाइल लॉक हुई है, हमें अपना PCC कब बनवाना चाहिए, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए। भाई आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने चाहिए, कोई पता नहीं आप 2022 के लास्ट में हैं, तो हो सकता है ये पूरा साल ही महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में भी निकाल सकते हैं, इन पर डिपेंड करता है। अब सिस्टम वो बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो अभी कोई किसी को कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए, अचानक से कुछ कहा जा सकता है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी करके रखें। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होम कंट्री वाला वो तो लाजमी चाहिए, अगर आपको एक साल से ज़्यादा स्टे है किसी दूसरी कंट्री में वो भी आपको चाहिए। अब लोग यहाँ कहते हैं भाई कि हमारा गल्फ कंट्री में जो है हम रह के आए हैं, लेकिन हमारा पासपोर्ट रिन्यू हो गया है, नए पासपोर्ट के ऊपर जो है हमारा गल्फ का वीज़ा नहीं है, वीज़ा हमने उसके एंट्री नए पासपोर्ट के ऊपर शेंजन में किया, तो फिर आपको ना भी बनवाएंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इनकी जो एक्सेस होती है इमिग्रेशन की या यूरोपियन शेंजन कंट्रीज़ की, वो सिर्फ 26 कंट्रियों में होती है, तो ये आपका डाटा UAE से चेक नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई क्रिमिनल आपका रिकॉर्ड बनता है या उनको पता हो जाता है, फिर ये ऑन रिक्वेस्ट किसी कंट्री से डाटा ले सकते हैं, वैसे इनके पास एक्सेस नहीं होती। तो अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई वीज़ा शीज़ा नहीं है, कुछ स्टिकर नहीं है, तो मेरा ख्याल है आपको ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब लेकिन फिर भी एमरजेंसी में अगर बनवा सकते हैं तो बनवा लें, क्योंकि आपको अपना होमवर्क कम्प्लीट करके जाना है। उसके बाद लोग पूछते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग बेचारे ऐसे हैं जिनको जो लेबर कैटेगरी में है उनको पता ही नहीं है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आर्टिकल 88 और 89 में अलग अलग से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए फिंगर्स के टाइम पर, और आपने उनको किस तरह ऑर्गेनाइज़ करके लेके जाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। छोटी सी अपडेट देनी थी आप लोगों को, काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो नहीं बना पा रहा था, लोग पूछ रहे थे ईमेल की अपडेट क्या है, प्रोसेस का बताएँ कैसा है। जो मेरे फॉलोअर है जो मुझे कहते हैं भाई आपकी बात पे हमें ज़्यादा ट्रस्ट है, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना वो हम मुझे रोज़ा भी लगना शुरू हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, अल्लाह हाफिज़।